मूवीज, बट इट शुड बी फुल ऑफ थ्रिलर एंड हॉरर. किसको नहीं पसंद हॉरर मूवीज. बट हम जब देखते हैं मूवीज के अंदर कि कोई इंसान मार दिया जाता है और सबूत मिटाने के लिए उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, बाद में पुलिस आती है और उसको निकाल लेती है, और हम देखते हैं कि वहां पे पूरा स्केलेटल सिस्टम बन चुका होता है. अब उस स्केलेटल सिस्टम की पहचान कैसे की जाएगी, उसकी एज कैसे पता की जाएगी, वो आपकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताई जाती है. बट अगर मैं पर्टिकुलरली एज की बात करूं तो हम एज पता करते हैं यूजिंग आवर बॉडी पार्ट दैट इज टिथ. वी ऑल नो टिथ के अंदर तीन लेयर्स होते हैं. सबसे ऊपर एनिमल, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, व्हाइट कलर का होता है. देन डेंटाइन, और उसके बाद हमारा पल्प होता है. पल्प को हम मांस के नाम से भी जानते हैं. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेंटाइन लेयर की, तो डेंटाइन लेयर के अंदर ओडोंटोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं. ये सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और जो पल्प वहाँ पे मौजूद है उसको कम करते रहते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट करते रहते हैं. यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है डेंटाइन का मास और वॉल्यूम बढ़ता है, वहीं पे पल्प का कम हो जाता है. अब इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, क्योंकि ये एज के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड होते हैं. अब हम देखते हैं कि डेंटाइन कितना बड़ा है, पल्प कितना कम हुआ है. इसी रिलेशन के बेस पे हम पता करते हैं स्केलेटल सिस्टम की एज. I hope you like the fact. Do not forget to like the video, share the video, subscribe the channel, and do hit the bell icon. Thank you.